नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में TET के फॉर्म आ चुके हैं। जो वेस्ट बंगाल में TET के लिए जो भर्ती आई है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको पहले बता दूं कि वेस्ट बंगाल में जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है इस बार। तो सेम जो रेगुलेशंस हैं वही हैं। एक बार आप देखिए, ये TET 2023 का है। सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं 50% से होना चाहिए। उसके अलावा भी उसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 50% से 12वीं और 4 साल का BLED या फिर 50% से 12वीं स्पेशल एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन हो और 2 साल का DLED। 5% रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर SC ST OBC एंड लगभग नीचे भी आप लोग देख रहे होंगे 2 साल के लिए DLED और या फिर BLED 4 साल का। तो हर जगह यही क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा पहले BED को भी ऐड किया जाता था। अब क्योंकि 11 तारीख को 11 अगस्त को BED को आउट करा गया है PRT से, तो इन्होंने भी इसको अब मौका दिया ही नहीं है। एक्चुअली TET में भी मौका नहीं दिया है कि TET क्वालिफाई कर सकें, फॉर्म भर सकें। तो यहाँ से एक चीज़ पता लग गई है हम लोगों को कि कंटिन्यूसली जितनी भी स्टेट्स हैं लगभग बाहर कर रही हैं BED को। जो ऑनगोइंग प्रोसेस थी उससे भी बाहर हो गई हैं। जैसे कि बिहार में आपने देखा BPSC के फॉर्म आए थे एंड BPSC के थ्रू जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें पहले BED को एग्ज़ाम दिलाया था और उसके बाद अब उनका रिज़ल्ट, उन्होंने बोला कि हम इनका रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि अब BED बाहर हो गया है। अब मैक्सिमम स्टेट्स आउट कर रही हैं उससे। आसाम का भी नोटिफिकेशन मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको, ऐसे ही हुआ है। तो धीरे धीरे सारी जो स्टेट्स हैं वो क्लेरिफिकेशन देने वाली हैं इसमें। इसके अलावा एक चीज़ बताऊंगा कि चंडीगढ़ से जो PRT के फॉर्म निकले थे उसमें जो BED कैंडिडेट है, ठीक है, अब वो उसको ना भरें BED कैंडिडेट, क्योंकि एक तो 1000 रुपये का वो फॉर्म है, ठीक है, दूसरा चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और फाइनली क्या है कि उसमें आपको एलिजिबल नहीं करेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है अब। तो जो BED के कैंडिडेट्स हैं वो PRT में फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपने KV का भी देख लिया होगा। अब KV में भी स्पष्टीकरण आया है KV की तरफ से कि KV भी BED का PRT का जो रिज़ल्ट है वो ओपन नहीं करेगा, सिर्फ DLED का करेगा, ठीक है। तो अब फाइनली यही होने वाला है। फ़िलहाल के लिए ये जानकारी है। धन्यवाद।